अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज माय अनदर व्लॉग। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, बड़ा खतरनाक नहीं बोल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। कि आप लोग बाल के हाल देख रहे होंगे, हम लोग इस टाइम मौजूद हैं क्रिक इंडोर पे। और बहुत से लोग बोल रहे हैं व्लॉग नहीं आ रहा यार, असल में टाइम के इश्यूज हैं। वासे भाई इसके ना, वासे भाई के बहुत यार, आप वो बात नहीं बता रहे। पढ़ाई भी स्टार्ट हमारी असल में, पढ़ाई तो स्टार्ट हो गई है। ऊपर से वासे भाई के ना, ये बैग में किताबें नहीं है, बेफिक्र रहे हैं आप, कहीं समझे किताबें हैं भाई। इस बैग के अंदर ना कैमरा मौजूद है और अभी हम लोग आज मौजूद हैं क्रिक इंडोर। ये मेरा फ्रेंड है अम्मा जी, उसने यहाँ पे ये नियर बफर जोन खोली है क्रिक इंडोर, ताकि प्रैक्टिस हो सके कड़क। तो हम जरा अंदर से दिखाते हैं आपको कि अंदर से क्या माहौल बनाया हुआ है। वासे भाई बैटिंग करो यार, यार देखते हैं, मैं बॉलिंग करूंगा, देखते हैं मशीन करेगी वो तो। बॉल तो मशीन करेगी, ठीक है भाई, देखते हैं फिर आपको मिलते हैं। पीछे देख रहे हो, कैसे देख रहे हैं? पीछे देखो, ऐसे देख रहे हैं। अल्लाह माफ करे, जेब में लग रहा है, जो पता नहीं क्या चल रहा है। जेब में कायदा नहीं, लेकिन देख रहे हैं, शौक पूरा कर रहे हैं। चल आए, मशीन जो है ये 170 प्लस बोल रही थी, 170 बैठ ही नहीं आएंगे, 120 वाइजर के बैठ नहीं आ रहे। और बोल्ड हो गए भाई, दिखाओ वाइजर को, दिखाओ जरा बोल्ड हो गई। ये पूरा मॉल बनाया हुआ है, ये माशाल्लाह से अब्बास भाई ने बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं, ये अंदर से जाके दिखाएं तो मैं नहीं आऊँ, तुम दिखा दूँ मैं, कैमरा मैन बना दिया अगर आ जाओ तुम। सारे बैठे सारे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं भाई, बोल रहे थे 20 ओवर खेलूँगा मैं, 20 ओवर खेल जी। वासु बेहतरीन फर्स्ट आयो, ठीक है पिल्ले। वासु क्या पकड़े हुआ बात में, ये सवाल है मेरा, कमेंट में बताया क्रिकेट लवर में वाइटल लग रहा है, बॉल ना मार यार, ये तो मुझे मार्क्स लग रहा है, ये मार्क्स है, ये मुंह के पास क्यों ला रहे हो, मार्क्स है पास में, वो सिर्फ मार्क्स ही है। आप बताइए है क्या, कमेंट में बताएं, ये तो मुझे वो लग रहा है छोटे भाई वाला मार्क्स। आज कर ये सवाल जो है, ये मैं फीमेल से पूछ रहा हूँ, ये है क्या, जिसने बता दिया उसको 1 करोड़ रुपए। ये लड़का है ना, ये खेल रहा था, बोला 10 ओवर बैटिंग करने बेचारे को मिली, इसको डर लग रहा है बॉल ना लग जाए यार। ये बताओ कैसा फील हुआ और कैसी अपॉर्चुनिटी है वाली प्रैक्टिस करने के लिए, बैट्समैन के लिए? अच्छी है, जो नए नए स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है खेलने के लिए, आप खेल सकते हो आराम से, सीख सकते हो काफ़ी। ऐसे बताओगे ना घबराहट क्यों हो रही है, इतने बड़े ब्लॉगर थोड़ी ना, मैं कैमरा बोला था ना घबराहट, घबराहट तो खैर हो रही है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह तारा इतने बच जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है न्यू बैटर्स के लिए, जो कि बैटिंग अभी सीख रहे हैं। और मेरी बात यह है, क्लब के बैट्समैन भी हैं और नॉर्मली जो खेलते भी हैं संडे वगैरह, वो भी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी, है ना? बाबर आजम ने कल इस बैट्समैन को बुलाया है पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर, बोल रहे ये बैट्समैन, ये इसने रिप्लेस किया है किसको, बद्दिल शाह को, बद्दिल शाह सॉरी हुजिल शाह को, खेलने लगा, खेल सकते हैं। पहले कबीर बोल रहे जब वो पर्ची है तो मैं ही पर्ची बन सकता हूँ, यार आप डर ये लग रहा, थोड़ा दूर हो खड़ो, डर लग रहा आपके, बोलने लगते हैं। और आप ये बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं, वाओ पहली बार दिखाई कि हाथ में कैमरा और बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है, ये सीन तो सबको याद ही होगा, ये सीन कौन बोल सकता है पाकिस्तान अफगानिस्तान का एशिया का वाला, ये आसिफ अली और ये भी आसिफ अली। आपका नाम क्या भाई? आसिफ अली, मोहम्मद शकूर, जलील शकूर। अभी इसके बाद बैटिंग करने जाने वाले, हेलमेट रोड़ा नीचे कर लो, क्या कर रहे हो तुम ये, ओ खतरनाक आ रहा है। अच्छा मेरा सवाल तो ये क्रिकेट लवर से, मैंने कैमरा डाला हुआ, देखो चलाना आता नहीं है, डाला हुआ है देखो, ये वाला जो मैच है, ये वाला ऐसा लग रहा है जैसे जंग पे लड़ने जा रहा है, ये वाला जो मैच है ना, ये वाला मैच कोई नहीं भूल सकता, ये तो ऐसा लग रहा है जंग पे जा। कल के मैच से क्या बोलते हो तुम, पाकिस्तान में मैं खड़ा हूँ पाकिस्तान के साथ, तो हार कैसे सकता है? ये तो है, ये खड़ा मालूम है इंडिया वालों को, अगर पाकिस्तान आ रहा है तो बताओ ऐसी दुनिया, यार इंडिया वाले इंडिया वाले भाई हैं यार, यहाँ से भाई यहाँ रहते हैं। अगले बल्लेबाज मौजूद हैं कबीर, कबीर शेख, हेलमेट सही है ना, बिल्कुल कड़क लग रहे हैं आप,
खतरनाक बल्लेबाज लग रहे हैं, बल्लेबाज ऐसे कुछ और ही हो जाएगा भाई। हाँ ऐसे खेल सकते हैं, आप आजमा के देख लो। क्या कर रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ बैटिंग करने के लिए। बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं? पाकिस्तान को जितवा के आना है। कहाँ सुरंग में लिया था ये? सामने से बॉलिंग होगी। वासु खेल लोगे आप? खेल लोगे? खेल लोगे? अच्छा लेफ्ट हैंडर लगाऊंगा कैमरे के अंदर भाई। हम राइट हैंडर, अब लगूंगा राइट हैंडर। सही है, सही है। समझ रहे हो? आप खेलो, मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ा सा अपने आप को भी दिखा दूँ। पूरे उसमें आप ही आ रहे हो, बाकी आप ये बैटिंग कर लो, उसके बाद जंग पे चलेंगे, वहाँ आपको शिकार मिलेगा। यार ये स्पीड जो है ना काफ़ी। बाइक पर कहीं देख सकते हैं? बाइक पर इसको पहन के भाई दरिया में नहा लो आप। हेलमेट वसी के लिए, वसी तेरी भी है। मास्क मैंने छोटे भाई पे लगा दिया, ऐसे चुप है। और ये वासु तो बॉल टच ही नहीं हो रहा है, काफ़ी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पीड कम करवा रहे हैं। और यहाँ से पूरा रश लगा हुआ है, देख रहा हूँ ये निकल रही है कैसी स्पीड में बॉल। और वासे का हुआ फेल। वासे कैसा लगा आपको? एक बॉल तो टच हुई नहीं आपसे। बॉल बहुत शपक छपक गई है बाकी टेस्ट में। हैं एक भी? आप इतने चौड़े में आए थे भाई। तो मेरे भाई 160 प्लस खेल लो, कैसे भाई? नहीं आप चौड़े में ऐसे आए थे भाई। ये मार्क्स कहाँ गए? मार्क्स दिखा दो वैसे अच्छा होगा। वो भी लगा हुआ है। भैया कर रहे हैं थोड़ा यहाँ के बारे में भी बता दो यार। यार बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि मज़ा आ रहा है लेकिन अंदर बैठ के फुल एसी चिल्ड माहौल हुआ। न्यू बैटर्स के लिए बहुत अच्छी जगह, और जो क्लब वगैरह से खेलते हैं, रोज क्रिकेट भी खेलते हैं, हार्डवेल वगैरह उनके लिए बहुत अच्छी जगह। और जो मतलब जिनको कोई लटकाता नहीं है ना ग्राउंड वगैरह में जाके, तो थोड़े पैसे लग सकते हैं, लटक जाए। सही है ना भैया? आ रहे हैं भाई जी। भाई यार ये बहुत ज़बरदस्त आपने ये कि एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। फिर तो कुछ बल्ले दो तीन बॉल है इसके अलावा नहीं यार। बाकी रैन भाई मुझे ये बताएं कि जो आप लोगों ने क्या ऐसी माइंड थिंकिंग की आपकी सब खोलने की, और आपकी और हमारे की हमारे सबको मौजूद नहीं है, क्या थिंकिंग की? तो हमारा ये था कि आप लोगों के सामने देखिए गलियाँ कितनी दबा हो चुकी हैं, गली क्रिकेट भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और इसके अलावा आप अगर आप ग्राउंड से लें तो उनके हाल आपके सामने, कोई मेंटेनेंस नहीं, उनकी कुछ नहीं है। अगर आप उन्होंने डिसाइड करा कुछ नया लेकर आते, कुछ ऐसा करते हैं जैसे बाकी में नया लेकर आते हैं, पूरे एरिया में कहीं भी नहीं है। अच्छा वैसे माशाल्लाह से ये कि एक ऑफर भी चल रही है, काफ़ी ऑफ चल रहा है इस टाइम ये, वरना तो आप ऑल ओवर आ कहीं और कहाँ में चलते हैं? डिफेंस डिफेंस वगैरह पे, अरीना वगैरह बहुत ज़्यादा महंगे। अगर मैं न्यू बैटर्स के लिए और जो कि क्रिकेट खेलते हैं, संडे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, उनके लिए बड़ी प्यारी जगह है, अच्छी जगह है और बहुत आउटस्टैंडिंग मॉल है। थैंक यू रैन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया हमारे से। ठीक है जल्दबाजी में बोलना भूल गया कि हमारा नाम, हमारा चैनल के नाम जो भी आएगा ना प्रोमो कोड लेगा उसको 50% डिस्काउंट है, वहाँ से भरेगा। सही है ना भाई? मैं हमारी फिर बहने बोलेंगी कि आप लोग वही वाले ब्लॉग करते हो जो हमें समझ आते भाई, क्रिकेट लवर है। और ये क्रिकेट वालों को समझ, ऐसे एक बात बोलो आपस की बात है, मेरे भी समझ नहीं आ रहा। मैं आप देख रहे हो ये बोले जा रहा है, मैं तो अपनी तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलिए सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप लोग खैरियत होंगे, बचता रहेगा, मेरी कॉल आ रही है। ऐसी मोहब्बत है अपने बातें, ऐसी मोहब्बत है अपने बातें रहे, ऐसी मोहब्बत है अपने बातें रहे, ऐसी मोहब्बत है अपने बातें रहे। भी जाना है, अल्लाह हाफिज़। और हमारा ब्लॉग आता रहेगा।